आज फिर से पैसे की जीत हुई और संविधान की हार हो गई। आज लोगों का भरोसा फिर से पैसों पर वापस लौट आया, क्योंकि जो लोग बोलते थे कि संविधान सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा। आज जोरदार तमाचा लगा उनके मुंह पर। आखिरकार हकले के बेटे नशेड़ी को फिर से जमानत मिल ही गई। जो नशेड़ी बूढ़ का हकला खान और उसका बेटा जो नशा करता हुआ पकड़ा गया था, उसको जमानत फिर से मिल गई। जो बगल में तस्वीरें चल रही होगी, जो वीडियो चल रहा होगा, आप देख सकते हैं ये किसी गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की नहीं है। ये जो जुलूस देख रहे हैं, ये बैंड बाजा देख रहे हैं, ये आतिशबाजी देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये किसी नीरज चोपड़ा के स्वागत में नहीं है, किसी साधु संत के स्वागत में नहीं है, किसी मंदिर बनाने के लिए भव्य रैली नहीं निकाली जा रही है। ये रैली है उस नशेड़ी बूढ़े के हकला खान के बेटे आर्यन खान के लिए। क्योंकि जब नशेड़ियों की जमानत मिलती है, जब नशेड़ियों की जमानत होती है, तो इस तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है हमारे देश में, जैसे लग रहा है कि उसने कोई गोल्ड मेडल जीत के आया है, उस हकले के बेटा आर्यन खान। पूरी दुनिया हकले पर थू थू कर रही है, क्योंकि इनका पूरा ही जो पठान मूवी आ रहा है वो तो पूरे तरीके से पहले ही फ्लॉप हो गया। और जो ये सलमान खान है, जो इसकी राधे टू करके कुछ कोई मूवी आ रही है, इसकी भी पूरी तरीके से खत्म ही सिस्टम है, समझ लीजिए। आपसे बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अपने भाई बॉलीवुड का बहिष्कार कर रहे हैं, आने वाले समय में ये जितने बॉलीवुड के एक्टर हैं, ये सड़कों पर घूमेंगे और ये 2000 में स्टेज शो करते हुए नजर आएंगे। 20-20 हजार का ऑर्केस्ट्रा चलता है, लेकिन इनका साटा 200 रुपए में और 2000 में एक एक रात का होगा। जो ये लाखों करोड़ों ले लेते हैं एक एक रात का, अब इनकी कीमत 2000 पे आ जाएगी। अगर आप लोग इसी तरीके से बॉलीवुड का और हकले खान का और नशेड़ी बूढ़ का बहिष्कार करते रहेंगे, तो एक कोई गरीब का बेटा अगर पकड़ा जाता है दारू पीते हुए या दारू बेचते हुए, तो उसे सालों तक जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में ऐसे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है जैसे उसे सड़ा दिया जाता है, उसको पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया जाता है। लेकिन आर्यन खान, जो शाहरुख खान हकले खान का बेटा है, इसको तुरंत ही जमानत मिल गई, वो भी सालों भी नहीं बीते। अन्य लोगों को सजा होती है तो एक एक साल, दो दो साल, चार चार साल तक की सजा हो जाती है सिर्फ दारू बेचने में, और ये चरस पीता हुआ पकड़ा गया, चरस बेचता हुआ पकड़ा गया है, तो इसे तुरंत ही जमानत दे दी गई और जेल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये शाहरुख खान का बेटा है। और आज ये संविधान की दोहरी नीति जो है, ये गरीबों पे बिल्कुल नहीं लागू होती है। ये संविधान की जो नीति है वो अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। आपसे बता देना चाहते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आप कोई भी क्राइम करेंगे, किसी की हत्या भी करते हैं, तो आपको संविधान जमानत दे देगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आप दारू तक बेचते हैं या बिहार में दारू पीते हैं, तो आपको सालों तक बंद रहना पड़ेगा। आपसे बता देना चाहते हैं, ये भारत के ऐसे संविधान है जिसके बारे में हम अगर कुछ गलत बोलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, और अगर नहीं बोलेंगे तो भाई सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। ये आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से संविधान पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, और हमें लग रहा है कि संविधान में इतनी बुराइयां हैं, हमारे संविधान में इतनी तरीके की ऐसी चीजें हैं, संविधान में इतने छेद हैं, इंसान किसी न किसी अनुच्छेद से बाहर निकल ही जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे ये वीडियो, और लोग जागरूक हो और संविधान को बदलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अब संविधान से, इस संविधान से गरीबों को न्याय तो मिलने से रहा भाई। बाकी वीडियो के इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।